गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी और वैसे भी। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं इसके, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट में बेसिकली जो स्टेप्स हैं एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल में, वो पहले एक आता है अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर। अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर का मतलब है कि भाई उनकी सैलरी इसी के बेसिस पे बनती है। फिर इस पे ही एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकलता है, फिर एफिशिएंसी रेटिंग निकलती है। एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल में एक एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर उसमें आइडल टाइम कॉस्ट, आपकी वेज ओवर टाइम वेजेस कॉस्ट, ये सारे निकाले जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन। टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और टू मेक अ प्रोविजन फॉर सर्विस, द रोल ऑफ ह्यूमन एक्सर्शन इज इनएविटेबल। द टर्म यूज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज में इंक्लूड वर्कर, एम्प्लॉई, लेबर, स्टाफ, ईटीसी। सो बेसिकली व्हाट सो एवर मे बी नोमेनक्लेचर मे बी यूज टू डिनोट देम, दे आर रिक्वायर्ड टू बी कंपेंसेटेड फॉर देयर एक्सर्शन। The compensation paid either in monetary terms or in kind or in facilities is known as wages. Cost of paying wages to worker is popularly known as labor cost, as it's related to labor they put for manufacturing of the product or provision of services. And employee cost is also interchangeable, known as labor cost. In a nutshell, employee cost is a wider term which include wages, salary, bonus, इंसेंटिव ईटीसी पेड टू एन एम्प्लॉई एंड चार्ज टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज डेज और लेबर कॉस्ट। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट के पार्ट क्या क्या आते हैं। तो लेबर कॉस्ट में आपकी वेजेस, अलाउंसेस, ओवर टाइम, ESI, PF और सारे बेनिफिट्स आते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर आप जानते हैं। डायरेक्ट लेबर वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एंड इनडायरेक्ट लेबर वो है जो आपकी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। चलिए इसमें डिफरेंसेस देख लीजिए। इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई हु आर डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन, हु आर नॉट डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन, कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड, इज अपॉर्शन्ड ऑन द सम अप्रोप्रिएट बेसिस। डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉई कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट मे नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल में क्या क्या पार्ट आता है वो समझें। जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग, सो टू कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट वन हैज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ओवर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन एम्प्लॉय। Control over the cost employee does not imply control over the size of the wages bill. It also does not imply that wages of each employee should be kept as low as possible. The aim should be to keep the wages per unit of the output as low as possible. इसका मतलब क्या है? Labor कम नहीं करनी है, लेकिन per unit labor कम करनी है। इसका मतलब efficiency बढ़ानी है। Clear है ना? So a well motivated टीम ऑफ एम्प्लॉई कैन ब्रिंग अबाउट वंडर्स। ये बात सही है, अगर आपके एम्प्लॉई अच्छे हैं, खुश हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर हैज टू बी कंसर्न एफर्ट बाई ऑल द पर्सनल कंसर्न डिपार्टमेंट। अब इसमें एम्प्लॉयज में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वो समझिए। एक है पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल HR डिपार्टमेंट को कहते हैं। सो ऑन रिसिप्ट ऑफ एम्प्लॉई रिक्यूजन्स फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट, इट सर्चेज द रिक्वायर्ड स्किल्स। HR डिपार्टमेंट जो आपका इंटरव्यू लेता है, तो जब उन्हें कहते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा एम्प्लॉई चाहिए, तो वो उस तरीके का बंदा ढूंढते हैं। इंड इंश्योर दैट द पर्सन रिक्रूटेड पजेस द रिक्विजिट्स क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, अरेंज प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द न्यूली रिक्रूटेड पर्सन, मेंटेन ऑल पर्सनल एंड जॉब रिकॉर्ड्स एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर आता है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। ये क्या करता है? ये करता है प्रिपेयर प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग
supervising the production activities, conducting time and motion activities. मोशन टाइम एक्टिविटीज का मतलब कितने टाइम में किस मोशन से क्या आउटपुट निकल रहा है. अंडरटेकिंग जॉब्स एनालिसिस एंड जॉब एवेल्युएशन. टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड. पेरोल डिपार्टमेंट टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय ऑन वेरियस जॉब्स, द प्रिपरेशन ऑफ द पेरोल ऑफ द एम्प्लॉयज. पेरोल का मतलब सैलरी. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, एक्यूमुलेशन करता है जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और इसकी क्लासिफिकेशन करता है. सो बेसिकली व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट. देखिए, टू एक्सरसाइज एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय कॉस्ट द एसेंशियल रिक्विजिट्स इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. ये एक सही बताए तो ये एक वर्ड ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, सो द मेन पॉइंट विच नीड कंसिडरेशन आर एज अंडर असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, टाइम एंड मोशन स्टडी, कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्न ओवर, वेजेज एंड इंसेंटिव सिस्टम, जॉब एवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. सो नाउ कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कहाँ कहाँ से आएगी ये देख लीजिए. द टास्क ऑफ कलेक्शन एम्प्लॉय कॉस्ट इज परफॉर्म बाय कास्टिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विच रिकॉर्ड सेपरेट वेजेस पेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू सेट इन द इफेक्टिव वेजेस रेट पर आवर इन ईच डिपार्टमेंट, टू एनालाइज द टोटल वेजेस पेमेंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन टू द अमाउंट इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट गुड्स, द अमाउंट ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, द अमाउंट ट्रीटेड एज आइडल टाइम, द अमाउंट ट्रीटेड एज एबनॉर्मल टाइम. ये चारों चीज़ें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट निकाल के देता है. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, वो आता है हमारा अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर्स. अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर, आप किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे अटेंडेंस लगती है, तो वो कैसे होती है, क्या इसका सिस्टम है, ये समझते हैं. इट रेफर्ड द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द एम्प्लॉयज अटेंडेंस टाइम. स्टूडेंट में नोट डिफरेंस बिटवीन द टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग. टाइम कीपिंग का मतलब अटेंडेंस लगाना, टाइम बुकिंग का मतलब जो टाइम एम्प्लॉय का है उसको रिलेवेंट प्रोडक्शन में रिलेवेंट प्रोडक्ट पे चार्ज करना. द लेटर रिफर्स टू ब्रेकअप ऑफ टाइम ऑन वेरियस जॉब वाइल द फॉर्मर रिफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ दैट टोटल टाइम स्पेंड बाय द एम्प्लॉय. देखिए, टाइम कीपिंग वो है अटेंडेंस लगाना, कितने बजे आया कितने बजे गया. और टाइम बुकिंग मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ द टाइम, जो वेजेज है उनका प्रोडक्ट पर लगाना कि इस प्रोडक्ट पे इतना इतना टाइम दिया, वो टाइम बुकिंग कहलाएगा. ना ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग क्या है, करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज अटेंडेंस टाइम्स इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. अब कोई बंदा आया है, उसने अटेंडेंस लगाई लेकिन आपके रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो तो चीखेगा ना, मैं इस दिन आया था, मेरी तनख्वाह दो, मेरी तनख्वाह दो. ठीक है ना. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पेरोल, फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, फॉर एसरटेनिंग कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, फॉर एसरटेनिंग आइडल टाइम, और दूसरे पर्पजेज हैं उनके लिए. सो मेथड क्या है टाइम कीपिंग की, एक तो मैनुअल मेथड है जिसमें अटेंडेंस रजिस्टर लगता है, जब भी आप कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको साइन करने पड़ते हैं. एक मेटल डिस्क टोकन है जिसमें आप बेसिकली आप टोकन डाल देते हैं, उसका मतलब इन हो गए आप. दूसरा है ऑटोमेटिक मेथड, पंच कार्ड मशीन. पंच कार्ड मशीन में आप अपना कार्ड पंच करते हो तो आपकी मशीन में एंट्री हो जाती कि आप आए हो. आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बायोमेट्रिक. बायोमेट्रिक में आप थंब इम्प्रेशन लगाते हो, थंब इम्प्रेशन लगाने से आपकी अटेंडेंस लगती है. तो पहले क्या होता था, पंच कार्ड में हम कार्ड किसी और को दे देते थे, कहते मेरी पंच कर देना, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में. नाउ रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम. अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम शुड बी हैविंग द फॉलोइंग रिक्विजिट्स. नंबर वन, सिस्टम और टाइम कीपिंग शुड बी सच विच शुड नॉट अलाउ प्रॉक्सी फॉर अनदर एम्प्लॉय. समझ गए, प्रॉक्सी. प्रॉक्सी वही कि मैं तेरा कार्ड पंच कर दूँ. देयर शुड बी अ प्रोवाइडिंग प्रोविजन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ पीस एम्प्लॉयज सो दैट रेगुलर अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन मे बी मेंटेन. टाइम ऑफ अराइवल एज वेल एज टाइम ऑफ डिपार्चर शुड बी रिकॉर्डेड. एज फार एज पॉसिबल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम शुड बी मैकेनिकल सो दैट चांस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइम मे नॉट अराइज. मैनुअल ना हो के मैकेनिकल होना चाहिए. लेट कमर्स शुड रिकॉर्ड लेट अराइवल्स. एनी रिलैक्सेशन ऑफ टाइम कीपर इन दिस रिगार्ड विल इंक्रीज इन डिसिप्लिन. एनी रिलैक्सेशन मतलब लेट कमर को अगर मैं अलाउ करता जाऊँ तो वो इनडिसिप्लिन अलाउ करेगा.
The system should be simple, smooth and quick, and the system should be reviewed and maintained periodically to prevent the error. So friends, ये good time keeping के systems हैं. अब हम बात करते हैं time booking. Time keeping just record of that disk. Time booking क्या है? But it does not show how much time a person has spent on a particular job. Time booking refers to a method wherein each activity of employee is recorded. This data recorded in further used for measuring the time spent on a particular job, costing purpose के लिए. ठीक है. So time booking होती है costing के लिए, efficiency के निकालने के लिए, fixation of responsibility के लिए, किसने ये काम किया था. So the time card can be of two types. Job card में हम दो तरीके हो सकते हैं. One containing analysis of time with reference to each job and the other with reference to each employees. एक है job के लिए कि इस job पर ये बंदों ने काम किया है. दूसरा है इस बंदे ने किस किस जगह पे काम किया है. ये payroll procedures हैं, समझ लीजिए. पहले time and attendance लगती है number one पे. नंबर टू पे एम्प्लॉई की डिटेल बनती है. नंबर थ्री पे वेजेज एंड सैलरी सीट बनती है. नंबर फोर्थ पे पेमेंट होता है जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट करता है. नंबर फाइव पे जो भी उनके पीएफ एंड कंट्रीब्यूशन है वो जमा होते हैं. ठीक है. सो अटेंडेंस एंड टाइम, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉईज एंड अदर, कंप्यूटेशन ऑफ वेजेज, पेमेंट टू एम्प्लॉई एंड स्टैच्युटरी. फॉलोइंग आर जनरली डिडक्टेड फ्रॉम द पेरोल. जो उनकी सैलरी है उसमें से नॉर्मली ये चीज़ें डिडक्ट की जाती हैं. प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई का जो शेयर होता है वो काट दिया जाता है. ऐसे ESIC का एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी से कटता है. TDS जो इनका इनकम टैक्स उस पर आता है वो कटता है. प्रोफेशनल टैक्स जो भी आएगा वो कटेगा. इसके अलावा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू PVF, अगर वो प्रोविडेंट फंड में कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे वो कट जाएगा. कंट्रीब्यूशन टू किसी और वेन वॉलेट फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कट जाएगा. लोन अलग लेकर रखा है तो EMI कट जाएगी. और इसके बाद कोई और एडवांसेस हैं तो वो काट दिए जाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया. ये थ्योरी की क्लास है, हम लोग इसलिए करवा देते हैं जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए. किताब तो आप पढ़ेंगे नहीं, सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, है ना. थैंक यू.